सो हेलो गाइस, कैसी है आप लोग। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए सबनॉइटी का बिलो जीरो का एक और नया एपिसोड। सबनॉइटी का बिलो जीरो के पिछले एपिसोड में जैसे कि आपने देखा होगा, यहाँ पे हमारा काम चल रहा है भाई ग्रीन हाउस बनाने का। तो गाइस, आज के इस एपिसोड में उस ग्रीन हाउस को भाई पूरा बनाने का काम जो है ना, हम मतलब करने वाले, देखते भाई अपन उसको पूरा बना पाते कि नहीं बना पाते। लेकिन गाइस, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले जो भी नए बनते होंगे गेमिंग विद एडी के चैनल पे, जुड़ा पे देखो उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, एक लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा के सब्सक्राइब कर देना। साइड में बेल आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक करके रख देना ताकि नई वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड गाइस, गेमिंग विद एनी 35,000 सब्सक्राइब के काफी ज्यादा नजदीक है, तो फटाक से गाइस 35,000 का जो गोल है वो कंप्लीट कर दीजिए गाइस, ठीक है। तो यहां पे जो है ना भाई, सारा फालतू का जो सामान था ना, मैं वहां पे रख देता हूं, रुक जाओ। मेरे को सबसे पहले इस ग्रीन हाउस को ना भाई ग्लास का बनाना है, ठीक है। सबसे पहले एक काम करना है, ये रहा भाई अपना ग्रीन हाउस, रुक जाओ मैं इसके अंदर जाके आपको दिखा देता हूं, ये देखो। ओके गाइस, तो इस ग्रीन हाउस को जो है ना, हमको हर तरफ भाई ग्लास ही ग्लास लगानी है भाई, हर तरफ ग्लास लगा देनी है। एंड भाई ग्लास लगाने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा भाई, ये देख रहे हो, विंडो लगा देनी है भाई। विंडो लगनी है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे लगेगी। विंडो के लिए मेरे को चाहिए होगा भाई बहुत सारा ग्लास। ओके, एक विंडो बनाने के लिए क्या चाहिए मेरे को, एक विंडो बनाने के लिए मेरे को चाहिए होगा भाई एक ग्लास। ऑल राइट, ग्लास बनाने के लिए मेरे को चाहिए होगा भाई सबसे पहले बहुत सारा क्रिस्टल, ठीक है। मैं भाई एक बार देख लेता हूँ मेरे पास कितने ग्लास और कितने क्रिस्टल यहाँ पे बचे हैं, ठीक है, रुक जाओ। हाँ यहाँ पे ग्लास है भाई, अच्छा ये वाला ग्लास तो नहीं चाहिए मेरे को, वो यहाँ पे क्रिस्टल्स है ना, लेकिन एक क्रिस्टल है भाई, हर एक क्रिस्टल जरूरी होता है भाई, ठीक है। ओ भाई साहब, यहाँ पे बहुत सारे क्रिस्टल पड़े हुए हैं यार, इतने क्रिस्टल मेरे पास थे मेरे को खुद पता नहीं था भाई, रुक जाओ। ये फालतू का जो सामान मैंने बनाया था ना, यहाँ पे डालने दो और भर के रखने दो। इसके अंदर ग्लास है नहीं है, इसके अंदर वो, इसके अंदर चार ग्लास है। ओके नाइस, मेरे हिसाब से इतने से तो काम बन जाना चाहिए ना, क्या बोलते हो। लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये है कि भाई वहाँ पे हल डैमेज, मतलब हल जो है ना भाई वो वीक ना पड़ जाए। एक बार अगर हल वीक पड़ गया ना, तो भाई पूरा का पूरा जो वो कंपार्टमेंट है पानी से भर जाएगा यार, दिक्कत बस यही है। देखते चलो, यहाँ पे फिलहाल गए भाई, दबा के अपन ग्लास बना रहे हो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ग्लास बन चुकी है मेरे हिसाब से, इतनी ज़्यादा ग्लास भाई इनफ रहेगी यार, ठीक है। तो यहाँ पे भाई हमको लगा देने भाई ग्लास ही ग्लास, ठीक है। इरवी को विंडो विंडो विंडो, तो यहाँ से पहले, यहाँ पे पहले से लगी हुई है। नाइस वन, नाइस वन भाई, बेस की जो भाई स्ट्रक्चर है ना, माइनस माइनस जा रही है, देख रहे हो 25 हो चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा बड़े आराम से, योगा से होगा, हो जाएगा भाई, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई, आराम से हो जाएगा, ठीक है। इरवी को 21 हो चुका है स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैं कुछ लगा नहीं सकता ना, ठीक है गाइस। ये देख रहा हूँ हर तरफ भाई मैंने ग्लास ही ग्लास लगा दिया। अभी मेरे को एक काम करना है, मेरे को जो छत है ना, इसके ऊपर भाई ग्लास की छत लगा देनी, ठीक है, ताकि अपना ग्रीन हाउस भाई कतई ज्यादा ओपी तरीके से भाई काम कर पाए यहाँ पे। तो ये रे भाई ग्लास की छत जो कि लगेगी यहाँ पे, इसके लिए मेरे को भाई टाइटेनियम 4 चाहिए, लिथियम 2 चाहिए, लिथियम 2 टाइटेनियम 4, और भाई वो वाली जो ग्लास होती है ना भाई, एकदम महंगी वाली अमीरों की ग्लास, वो चाहिए भाई। वो मेरे पास आई थिंक एक पड़ी हुई थी यहाँ पे, मेरे को वो वाली ग्लास 4 चाहिए भाई यहाँ पे। वो वाली ग्लास बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए मेरे को, एक बार देखने दो यहाँ पे, ज़्यादा कुछ मटेरियल नहीं चाहिए ना, डायमंड लेड एंड ग्लास चाहिए, डायमंड लेड एंड ग्लास। लेड मेरे पास पड़ा हुआ है, डायमंड भी मेरे पास पड़े हुए हैं, डायमंड तो मैं भर भर के लेके आया था भाई, डायमंड की कमी नहीं है भाई, लेड है ना, लेड भी मेरे पास पड़ा हुआ है। एंड मेरे को नॉर्मल वाला ग्लास चाहिए अभी, मेरे को नॉर्मल वाला ग्लास चाहिए, लेड भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। ओके नाइस, लिथियम होगा मेरे पास कहीं ना कहीं भाई, लिथियम की तो भाई बिल्कुल भी कमी नहीं है मेरे पास, ठीक है। मेरे को थोड़े से क्रिस्टल चाहिए होंगे ना, जिसे अपन भाई ग्लास बना सके, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पे भाई थोड़े से क्रिस्टल्स उठा के लेके आते हैं, आज ग्रीन हाउस में अपन भाई खेती करके रहेंगे। वहाँ पे मेरे को क्या चाहिए भाई, मेरे को वहाँ पे क्या उगाऊँ, कुछ खाने पीने की कोई चीज़ भाई उगा दूंगा भाई, ऐसे कर लूँगा। यहाँ पे भाई बैटरीज बनाने के, ये देख रहे हो, ये भी उगा सकता हूँ ना, जिनसे मैं बैटरीज बना लूँ काफ़ी ज़्यादा। लेड है, टाइटेनियम है भाई, टाइटेनियम नहीं चाहिए यार, मिल रहा है तो ले लेता हूँ, ऐसे कभी भी कहीं पर भी काम आ सकता है, ठीक है। कॉपर वीपर मिल रहा है मेरे को, यहाँ पे भाई ग्लास चाहिए जो कि मेरे को दिखाई नहीं दे रही है फिलहाल के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, गाइस अपन यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, यहाँ पे मेरे हिसाब से मिल जाएगी। यहाँ पे भाई टाइटेनियम काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, ये मेरे को नहीं चाहिए भाई, मेरे को ग्लास चाहिए यार, मेरी इन्वेंट्री फुल ना हो जाए। यहाँ पे टाइटेनियम की भाई हमको कभी कभी ज़रूरत पड़ती है ना काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे टाइटेनियम भाई उठा लेता हूँ, अगर मिल ही रहा है ना तो उठा लेता हूँ। लेड होगा यहाँ पे, सिल्वर है, ओके ऑल राइट, आई थिंक यहाँ का सारा जो ग्लास है आइए रहा भाई, ये रहे क्रिस्टल्स, ऑल राइट। चलो भाई दो मिल गए जिनसे भाई मैं एक ग्लास बना सकता हूँ, मेरे को ऐसे भाई 10 चाहिए कम से कम, कम से कम 10 चाहिए, ठीक है, रुक जाओ गाइस। मेरे को क्रिस्टल से यहाँ पे 10 भाई ढूंढने दो,
उसके बाद आपसे मिल रहे, ठीक है? रुक जाओ मेरे को यहाँ पे क्रिस्टल ढूंढने दो, ठीक है? वेट। Two hours later. ओके गाइस, तो चलो गाइस, मेरे पास यहाँ पे भाई 10 क्रिस्टल हो चुके हैं अभी। एंड अभी मेरे को जाना है भाई घर के पास। मैं कितना दूर आ चुका हूँ भाई साहब? 300 मीटर दूर आ गया भाई, क्रिस्टल ढूंढते ढूंढते। नहीं मजाक कर रहे हो यार? ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रात भी हो चुकी है। हम हमारे घर के पास पहुँचते हैं भाई। वहाँ पे जो है ना भाई, वो ओपी वाला जो ग्लास होता है ना भाई, एकदम खतरनाक वाला, वो बना के भाई उसकी छत बना रहे थे अपने ग्रीन हाउस की। ओके, एंड उसके बाद भाई उसके अंदर भाई खेती करने का जो काम है ना, वो अपन कर देंगे शुरू। ये पूछ गया भाई, ये जो अपना ओपी वाला सूट है ना भाई, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है अपनी। सूट प्लस ये मशीन है, देख रहे हो भाई? कच करके भाई बूस्टर लगा के भाई उड़ रहे हैं अपन तो। ठीक है रुक जाओ, मेरे को यहाँ पे इसके अंदर है ना, हो गए ठीक है। या देखो अभी कहीं से बाहर डायरेक्टली उड़ी। आहा, ये डायरेक्टली ऊपर भाई, मजा आ गया क्या? ठीक है चल भाई, ठीक है यहाँ पे ग्लास बना ले। ऑल राइट, 2, 4 चाहिए था ना मेरे को, 3 एंड ये रहा भाई 4। ठीक है लेट्स गो। अभी स्टोरी में आगे क्या करना है फिलहाल के लिए पता नहीं, लेकिन भाई मेरे हिसाब से उस आंटी ने मेरे को ग्रीन हाउस बनाने के लिए बोला था भाई। ठीक है तो अपन ग्रीन हाउस यहाँ पे बना लेते। मेरे को लिथियम चाहिए होगा थोड़ा सा। ठीक है 3 एंड ये रहा 4। ऑल राइट लेट्स गो। ओके रुक जाओ, ग्लास और बना लेता हूँ ना थोड़ा सा, एक आई थिंक बनेगा और। ओके ठीक है, डन डन डन। टाइटेनियम नहीं बनाना मेरे को, एक यहाँ पे लिथियम चाहिए होगा। लिथियम शायद यहाँ पे नहीं है, मेरे पुराने वाले बेस में लिथियम होगा शायद, देखता हूँ। चलो अगर लिथियम नहीं होगा तो भाई मेरे को लिथियम ढूंढने के लिए वापस से चले जाना पड़ेगा यार, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर यहाँ पे मेरे को लिथियम नहीं मिलता है तो। आई थिंक अंदर वाले बड़े बॉक्स में होगा यार लिथियम। यहाँ पे क्या, अबे यहाँ पे भर भर के ग्लास और लेड पड़ा हुआ है भाई, तो मजाक कर रहे हो यार? मैग्नेटाइट है मेरे पास, और लिथियम 2 पड़ा हुआ है मेरे पास, काफ़ी बढ़िया भाई। एंड और कुछ है? और भाई टाइटेनियम उठा ले भाई, काफ़ी काम आता है अपने। सिल्वर विल्वर फ्लेयर भी काफ़ी ज़्यादा है भाई। ठीक है बक्से बाहर के देख लेता हूँ, काश इनमें मेरे को ग्लास भी मिल जाए। रुक जाओ गाइस, अपने पास यहाँ पे इस बेस पे जो है ना भाई, सिल्वर की बिल्कुल भी कमी नहीं है यार, भर भर के सिल्वर है। 2 सल्फर भी पड़े हुए हैं यहाँ पे भाई, खतरनाक यार खतरनाक। चलो अच्छी बात है, चलो सिल्वर की तो अपन को ज़िंदगी में कभी कभी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे फिलहाल के लिए मेरे को बनाना है भाई ये वाली छत, तो ये जो छत का जो काम है ना भाई, वो कर देते भाई कच करके शुरू। ऑल राइट लेट्स गो। टाइटेनियम, ओके लिथियम भी 2 ही चाहिए थे, टाइटेनियम यूज़ हो गया, अभी यहाँ पे लिथियम यूज़ हो रहे हैं। देखते स्ट्रक्चर क्या हो गया। ओके 17% भी अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे अभी तक जिंदा है भाई, मतलब भाई ओ मागो तुरुलब, खतरनाक भाई खतरनाक। जी हाँ अभी यहाँ पे भाई हमको बनाने भाई वो, हाँ ये वाले बनाने मेरे को। ये वाला क्या है, प्लांट सेल्फ नहीं बनाना मेरे को, जाओ जाओ। हाँ भाई रो, हाँ ये वॉल बनानी है, वॉल बनानी है, वॉल बनानी है। अच्छा ये मैं यहाँ पे किसी एक में लगा सकता हूँ, लाइक अगर मैं लगा के अभी वॉल लगा सकता हूँ। ठीक है भाई फिलहाल के लिए वॉल नहीं बनाते अपन। मेरे को बताओ कि बेसिक प्लांट पॉट है, कंपोजिट वाला है, उसके बाद चिन प्लांट, ये वाला। ओके भाई ये रहा अपना ओपी वाला ग्रीन हाउस। ओके इरविको लगा 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 भाई, फार्मिंग भाई सबनॉटिका में फार्मिंग चल रही है भाई, मजाक कर रहे हो यार तुम? 3 टाइटेनियम लगेंगे। ओके इरविको इसके अंदर मैं कुछ ना कुछ लगा सकता हूँ, ठीक है रुक जाओ। या फिर टाइटेनियम लगा दूँ क्या? ये नहीं लग सकता ना, ठीक है रुक जाओ। ओके ठीक है आराम से बेटा, नाइस वन। अबे यार टाइटेनियम खत्म यार मेरे, ठीक है रुक जाओ मैं इसके अंदर भाई क्या लगा सकता हूँ मेरे को देखने दो। रुक जाओ मैं थोड़ा सा सामान लेके आता हूँ, मेरे पास क्या था वैसे, कोई प्लांट था जो मैं वहाँ पे, एक मिनट मैं वहाँ पे एक प्लांट लगा सकता हूँ, सबसे रेयरेस्ट प्लांट भाई, सबसे रेयरेस्ट प्लांट कहाँ पे, ये वाला एंड ये वाले कोरल भी मैं वहाँ पे लगा सकता हूँ। ये वाले प्लांट जो है ना मैं वहाँ पे लगा दूंगा भाई, ये वाले प्लांट जो है ना वहाँ पे लगा दूंगा, पैसा ही पैसा। ये क्या है भाई, एगे ये क्या है, जेल से आके मेरे को लगा कोई प्लांट भी लिंडे क्या, नहीं ना। चलो भाई लेट्स गो, तुम्हारे भाजी का कोई हार्डिच नहीं है, ठीक है लेट्स गो। देखते हैं अभी भाई वहाँ पे अपन प्लांट वो लगा सकते कि नहीं। यहाँ पे तो भाई एकदम खतरनाक वाली खेती हो जाएगी यार अपनी। फिर वी गो, ये वाला प्लांट लगा। ये प्लांट कैपलिंग है यार, ये क्या रखना है यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ फिर? यूज प्लांटर, इसमें क्या लगता है, ये किस काम आता है, एक मिनट रुक जाओ। प्लांट बेड सुटेबल फॉर इंटीरियर यूज ओनली,
पॉड कंटेनर ओके ठीक है। भाई यहाँ पे क्या कर सकते हैं? वेल माउंट पर, अच्छा ये वाला जो है ना ये बनाना है, इसमें अपन प्लांट लगा सकते हैं। ठीक है ये लगाओ कहाँ पे? अच्छा ये अपन यहाँ पे इसे ऊपर लगा सकते हैं लाइक दिस। टाइटेनियम चाहिए, ठीक है रुक जाओ, ये तोड़ बेच क्या, ये तोड़ ये तोड़ ये तोड़ तोड़, किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। ओके ठीक है रुक जाओ, यहाँ पे लगा, अंदर का मैं प्लांट लगा सकता हूँ भाई। हाउ भाई फार्म कहाँ पे करना है? कुछ तो गड़बड़े थे यहाँ, इसके अंदर भी मैं प्लांट नहीं कर सकता, जबकि उस बुढ़िया ने इसके अंदर प्लांट करा हुआ था भाई, मैं क्यों नहीं कर सकता इसके अंदर प्लांट? स्ट्रेंज भाई। ठीक है रुक जाओ, मेरे को देखने तो भाई अपन प्लांट कैसे कर सकते हैं, रुक जाओ मेरे को फार्मिंग करनी है भाई, मेरे को देखना है फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, रुको। Six and a half hours later. ओके गाइस, तो यहाँ पे भाई रिसर्च से मेरे को ये पता चला कि ये फिश यहाँ पे कैसे उड़ रही है। आयला जादू वो तू यहाँ पे कैसे आ गई भाई? ठीक है भाई, तो मेरे को ये वाला जो देख रहे हो ये बनाना है भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना इसके अंदर मेरे को सीड सी डालनी है, और कुछ यहाँ पे जाएगा नहीं, फिर भी मैं एक बार देखता हूँ बना के, मेरे पास इनफ टाइटेनियम है क्या? एक काम करना ये तोड़ देना भाई, ये वैसे भी किसी काम के नहीं फिलहाल के लिए, और इनके अंदर भी मैं ग्रो कर सकता हूँ। लेकिन क्या है पता है क्या, मेरे को उसके लिए चाहिए होगी भाई ओनली सीड, मेरे को फिर भी एक बार ट्राई करके देखना है क्या ओनली सीड या फिर, अबे यार ये यहाँ पे नहीं लगे, पानी के अंदर लगता है, भूल गया था रुक जाओ, ये पानी के यहाँ पे ऊपर लग सकता है, यहाँ पे लग सकता है ये, ठीक है आए देखो इसको ऊपर लग सकता है, एक बार लगा के मैं देख लेता हूँ कि इसके अंदर मैं क्या क्या डाल सकता हूँ। ओके ठीक है, ओह ओके प्लांट हो गया, एक मिनट रुक जाओ, क्या मैंने यहाँ पे प्लांट कर लिया भाई? रोई डिस्ट्रॉय करने दो भाई, डिस्ट्रॉय कर डिस्ट्रॉय कर डिस्ट्रॉय कर। ओके ये मैं यहाँ पे प्लांट कर सकता हूँ, अंदर भी मैं दूसरे प्लांट कर सकता हूँ, लेकिन अंदर मेरे को सीड्स डालनी पड़ेगी। ठीक है तो यहाँ पे जो सीड है ना, बोलेगे भाई यहाँ पे सीड कैसे लेके आएगा? जो हमारी बुढ़िया आंटी जी थी ना भाई, जहाँ पे हम गए थे ना पहली बार, तो वहाँ पे मैंने कुछ सीड देखी थी, अगर मैं वहाँ पे वापस से जा पाया ना तो मैं वहाँ से भाई थोड़ी सी सीड्स लेके आ सकता हूँ। ठीक है रुक जाओ, मेरे को उस बुढ़िया आंटी के पास जाने दो, उससे पहले मेरे को मेरा सीड ट्रक जो है ना वो रिपेयर करना है। ठीक है तो मेरा सीड ट्रक रिपेयर कर लेता हूँ, एंड अपन चलते हैं भाई उस बुढ़िया आंटी के पास। ठीक है एंड देखते हैं आंटी जी हमको भाई यहाँ पे सीड दे पाती है या नहीं दे पाती है। ठीक है लेट्स गो, हियर वी गो, ऑल राइट माई फ्रेंड ऑल राइट। ठीक है चल भाई पीछे से जाना पड़ेगा मेरे को इस डायरेक्शन से। ठीक है चलो गाइस, तो यहाँ पे भाई यार यूज नहीं कर सकता क्या मैं इंटर सी ट्रक? ओके लेट्स गो, ऑल राइट। ठीक है तो मेरे को जाना है भाई नॉर्थ ईस्ट ईस्ट में, ओके ठीक है ईस्ट साउथ ईस्ट में, ओके लेट्स गो गाइस। ठीक है तो मेरे को इस डायरेक्शन में जाना है, शायद इसी डायरेक्शन में जाना था ना, मे बी भाई पता नहीं भाई, शायद इसी डायरेक्शन में जाना था, मैं भूल गया भाई बुढ़िया के पास जाने के लिए अपन ने कौन सा रूट भाई फॉलो करा था, शायद मैंने ये वाला रूट ही फॉलो करा था। ठीक है चलो भाई उस बुढ़िया के ग्रीन हाउस में चलते हैं, और वहाँ से थोड़ी सी सीड जो है ना वो ढाप के लेके आते हैं। ठीक है लेट्स गो। 2000 years later. ओके गाइस, तो यहाँ पे हम भाई उस बुढ़िया आंटी जी के भाई ग्रीन हाउस की तरफ निकल चुके हैं। ठीक है और भाई मैं थोड़ा सा भटक गया था, मतलब 10-15 मीटर तक तो मैं भाई गलत डायरेक्शन में जा रहा था, उसके बाद मैं खुद की वीडियो देख के वापस से भाई सही डायरेक्शन में यहाँ पे जा रहा हूँ। ओके हियर वी गो, एंड यस मेरे को इसी डायरेक्शन में जाना था। ऑल राइट चलो भाई मैं पहुँच चुका हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी भाई फ्रूट्स बीट्स इकट्ठा कर लूँ क्या? मैं आ गया तो ले ही लेता हूँ ना। अच्छा यहाँ पे वो फ्रीज करने वाला क्रीचर है भाई, ये इनसे मैं प्लांट कर सकता हूँ क्या? इन फ्रूट्स को प्लांट ले तो मैं इनको खाने के काम में यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनको प्लांट भी कर सकता हूँ शायद, शायद पता नहीं भाई देख लेंगे। चलो मैं थोड़ी सी उठा लेता हूँ, खाने के भाई काम आ जाएंगे, क्या हो गया इन्वेंटरी वॉज फुल भाई, जो सारे के सारे उनको खा ले भाई पहले, अभी उठा ले भाई। ठीक है चलो भाई खाना पीना तो भाई एकदम मस्त भी की हो चुका है अपना फुल, लेट्स गो। ऑल राइट एक दो और उठा लेता हूँ, चलो भाई इन्वेंटरी फुल। अभी उस बुढ़िया के पास जाके मेरे को थोड़ा सा वहाँ पे भाई काला कांडी करनी पड़ेगी, उसके सारे के सारे भाई जो सीड्स और वेजिटेबल होंगे ना वो ढाप के लाने पड़ेंगे। मेरे इन्वेंटरी में जगह है क्या? लेकिन यार मैं फालतू का सामान लेके जा रहा हूँ इन्वेंटरी में, इसे बोलते भाई टॉयलेट। ठीक है भाई ओके ठीक है, कहाँ पे जाना था मेरे को? हाँ इस डायरेक्शन में। ठीक है चलो गाइस उस भाई आंटी जी के ग्रीन हाउस पे पहुँच जाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ठीक है लेट्स गो गाइस, रात में ये वेल्स देख रहे हो कितनी ओपी लग रही है भाई,
खतरनाक लग रहे हो। उफ भाई साहब, फिश को खाने का काम कर रहे हैं भाई, काफी बढ़िया लग रहे हैं यार ये रात में। ये एरिया तो एकदम चमकता हुआ लगा दिखाई दे रहा है यार, नाइस। ओके चलो भाई, हम यहाँ पे भाई हमारे आंटी जो बुढ़िया जी थी ना, उनके भाई ग्रीन हाउस के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। हमारा मैक्सिमम टाइम भाई इसके ग्रीन हाउस को भाई ढूंढने में ही निकल गया यार, काफ़ी बढ़िया जगह है यार ये। ओके यहाँ से भाई मेरे को ग्रीन हाउस दिखना चाहिए अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ओके यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी गाइस, क्योंकि यहाँ पे भाई बाहर की तरफ चल रहा है भाई दबा के स्ट्रोम, एंड उसके कारण मेरे को भाई कुछ भी दिखाई यहाँ पे नहीं देगा। मैं भी यही वो आइस बग है क्या जहाँ पे उस बुढ़िया का घर है? हाँ यही है भाई, भाई दिखाई भी नहीं दे रहा यार कुछ भी, फिर भी मेरे को जाना पड़ेगा यार उसके घर के अंदर, ठीक है लेट्स गो। ओके बोल आंटी, आओगे आओगे, ठीक है भाई। ये भाई ओके। ओ मेरी शेडोज देख रहे हो कितनी अच्छी दिखाई दे रही है, ये लेके जाता हूँ क्योंकि इससे अपन को भाई यहाँ पे रोशनी का जुगाड़ हो जाएगा। ओके हिरवी को यहीं से जाना है, नहीं यहाँ पे ऊपर की तरफ से जाना था। ओ ये क्या है, ये कौन सा प्लैनेट है भाई यहाँ पे, एंड वो क्या चीज़ है ग्रीन ग्रीन वहाँ पे? यहाँ पे कुछ ना कुछ भाई गड़बड़ चल रही है यार खतरनाक वाली, पर रात में यहाँ पे प्लैनेट भी दिखने लग गया भाई, और कुछ अजीब अजीब चीज़ें भी दिखी थी मेरे को यहाँ पे, ठीक है चलो अभी प्लैनेट भी नहीं दिखाई दे रहा, गायब हो गया, ठीक है शायद अपने पहाड़ी के पीछे चला गया है। हेलो आंटी जी कैसी हो, आ गया मैं सारा सब कुछ ढापने के लिए वापस से। ये क्या था, अरे सीढ़ है ना यार, और ये सीढ़ है भाई, ये सीढ़ है, ये उठा लेता हूँ। ये आंटी यहाँ पे है ही नहीं भाई, ठीक है आंटी है नहीं तो भाई यहाँ पे मेरे को ये सीड्स उठा लेनी है, एंड ये भी एक दो, एक एक ही उठा लेता हूँ ना, एक एक या दो दो उठा लो, मेरे फालतू का सामान कौन सा है मेरे पास, ये डाल दे मेरे पास बहुत सारा पड़ा हुआ है ना, ये डाल दे, ये अपन उगा भी सकते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद ये उठा ले भाई, कोई तो सीड्स होगी प्लांट, अभी उठा लेना लॉन्डे, उठा ले अगे, ठीक है। ओके ये भाई इनका भाई टाइमर है यार, मेरे को इनका टाइमर खत्म होने से पहले भाई निकल लेना है। ओके इसके बाद से सीड उठा ले, ओके उठा ले, इन्वेंटरी वॉज फुल। ऐसी कौन सी सीड थी भाई, ओ भाई चाइनीज पोटैटो की सीड भाई कुछ ज़्यादा ही महंगी नहीं है, ठीक है। और कुछ उठा सकता हूँ मैं यहाँ पे, ये वाली क्या है, ये वाली नहीं उठा सकता, ये वाला भी नहीं उठा सकता, ये भाई चाइनीज पोटैटो है ना, चाइनीज पोटैटो की तो मैंने उठा ली है भाई, ठीक है। मेरे को गाइस कुछ भाई यहाँ पे सीड्स मिल चुकी है, मेरे को ये वाले एक चाहिए यार, टाइटेनियम डाल देता हूँ उनको, मेरे को ये वाली सीड्स भी चाहिए, ठीक है हिरवी को, एंड एक टाइटेनियम उठा ले, ठीक है गाइज। मेरे पास इनफ सीड हो चुके हैं, लेकिन ये सीड्स जो है ना भाई काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी भाई सड़ रही है, तो हमको निकलना पड़ेगा बेस के पास। एक काम कर लेते गाइज, आज का जो एपिसोड है ना इसमें बस इतना ही, अगले एपिसोड में अपन बेस के पास जाएंगे और अलग अलग टाइप की भाई जो सीड्स है ना वो अपने बेस में भाई ग्रीन हाउस में लगाने का काम कर देंगे, ठीक है। तो गाइज आज का जो एपिसोड है भाई कैसे लगा मेरे को नीचे कमेंट करके बता देना, और इस गेम से रिलेटेड कुछ सजेशन देने होंगे तो भाई आप नीचे कमेंट करके मेरे को दे सकते हो। तो गाइज आज के एपिसोड में सपना डेका के बस इतना ही, आपसे मिल जाएगा इस अपलोड का बिलो जीरो के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर। बट इट्स टू लेट नाउ, आई रिमेंबर यू एंड मी एंड हाउ केयरलेस वी बी ऑल डे एंड ऑल नाइट, वी स्टे अप इट फेल्ट सो राइट, we were so young, we were so dumb, we would get drunk and then